नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी थ्री यूट्यूब चैनल में। बहुत ही महीना बाद, और जैसे कि मैं आजकल व्लॉग्स नहीं डाल पा रहा हूँ, मतलब पुराना व्लॉग्स भी मेरे स्टॉक में पड़ा हुआ है लेकिन आजकल व्लॉग्स मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत सारा प्रॉब्लम्स चल रहा था। अभी का प्रॉब्लम तो सभी को पता है, इसमें नया बात बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले भी मेरा कुछ प्रॉब्लम्स था जिसके लिए मैं व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रहा था। सो एनीवे, फिर से आप सभी का स्वागत है मित्री यूट्यूब चैनल में। तो मैं कुछ मोटिवेशनल टॉपिक्स लेके बात करने वाला हूँ, मतलब आने वाले कुछ वीडियोस में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे थे, मेरे दूसरे जितना भी चैनल्स है, यानी कि दो चैनल्स हैं, उसमें मैं वीडियोस लगातार अपलोड कर रहा था। ऐसे ही अभी इसमें भी रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करूँगा, तो टॉपिक्स इसमें वही रहेगा जो मेरा पहले था। और व्लॉग्स, जैसे कि आपको पता है, व्लॉग्स, मोटिवेशन और फैशन, ये तीन टॉपिक लेके मेरे मी थ्री यूट्यूब चैनल बनाया है। तो आज जैसे कि आप लोगों को टॉपिक पता लग ही गया होगा थंबनेल में देख के, टाइटल में देख के भी, कि डोंट गो आउटसाइड, गो इनसाइड। ये बहुत ही एक बेहतरीन टॉपिक है, क्योंकि मैं कुछ देख रहा था कुछ देर पहले, तभी मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, क्यों ना मैं इस क्वारंटीन टाइम में, जबकि पूरा वर्ल्ड आई डोंट नो मतलब क्या होगा इसका, लेकिन जोश है एक अंदर में, हम लोग कर पाएंगे, लड़ पाएंगे। उसका रास्ता हर एक जगह आपको पता है, सिर्फ एक ही रास्ता है फिलहाल, और वो है डोंट गो आउटसाइड। तो ये तो हम सभी को पता है कि डोंट गो आउटसाइड, फिर भी कुछ लोग हैं जो निकलते रहते हैं, मानने के लिए तैयार ही नहीं है, पता नहीं क्या सोचते हैं। लेकिन मैं अंदर हूँ, मेरे फॉलोअर्स, आप लोग जितने लोग भी हो, प्लीज़ स्टे एट योर होम, इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली गो आउटसाइड, अदरवाइज डोंट गो। सो मुद्दे पे आते हैं, मैं जिस टॉपिक में वीडियो बनाने जा रहा हूँ, डोंट गो आउटसाइड, गो इनसाइड, इसका मतलब ये है कि अभी बहुत ख़राब सिचुएशन तो है ही, लेकिन किसी ना किसी तरीके से एक अच्छा टाइम दिया गया आपको नेचर की तरफ से, और नेचर भी हम लोग से एक टाइम ले रहा है लाइफ को चेंज करने के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन कैसा बड़ा और मतलब कैसा ख़तरनाक एक चीज़ हो रहा था, तो फिलहाल नेचर को कुछ ब्रेक मिल गया, और कहीं ना कहीं नेचर हम लोगों को जवाब दे रहा है इसके थ्रू, एक खतरनाक महामारी से हम लोगों को जवाब दे रहा है। नेचर के साथ बहुत ख़राब चीज़ किया ह्यूमन बींग्स, अमेज़न लंग्स ऑफ अर्थ बोला जाता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो गया था, कितना खतरनाक प्रॉब्लम आप सभी को पता है, तो उसका ही जवाब लगभग दे रहा है। तो छोड़िए ये सब बात, इनसाइड में हम लोग कैसे जाए, जो टॉपिक में मैं लिखा उसका मतलब ये है कि हमारे पास अभी एक टाइम आ गया कि वी कैन गो इनसाइड आवरसेल्व्स। घर से बाहर मत जाइए, घर के अंदर रह के अभी टाइम है, खुद के अंदर थोड़ा जागिए। मैं समझा पा रहा हूँ, अपने अंदर का हुनर, अपने अंदर का जज्बा, अपने अंदर का जुनून, अपने अंदर का क्रिएटिविटी, जितना भी चीज़ें हैं, यही टाइम है नेचर ने हमें दिया है, एज ए पनिशमेंट या फिर एज ए गिफ्ट, गिफ्ट तो मान नहीं सकता, ये एज ए पनिशमेंट ही दिया हम लोग को लाइफ दिखाने के लिए। तो देखिए, अपने आप को थोड़ा देखिए, अपने घर पे रह के चारों ओर देखिए। फॉर एग्जांपल, अपना एक दीवार पकड़ लीजिए, अपने घर का ही एक दीवार पकड़ लीजिए, उसमें आप अगर गौर से देखेंगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा उस छोटे से दीवार में ही, जो आपने अभी से पहले कभी भी उसको नोटिस नहीं किया था। आप सोच के रखना, मतलब लिख के रख दो मैंने ये बोला था, आप ये वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए फिर से, ऐसा कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही, सिंपल सा एक दीवार में भी, जो आपने अभी तक अपने ही घर पे, अपने ही रूम पे अभी तक देखा नहीं होगा, तो वो चीज़ आप देख पाएंगे। फिर अंदर झांकने से और भी आपको आपका एक अजीब सा एक टैलेंट मिल सकता है, जो कि आपके अंदर था बहुत पहले से, लेकिन ड्यू टू दिस सोसाइटी या फिर
ड्यू टू द वर्कलोड्स यू आर हैविंग और ड्यू टू द प्रेशर जो भी है आपका उस लाइफ के लिए आपका ये टैलेंट शायद छुपा हुआ था, तो ये एक चांस है, आप उसको ढूंढ सकते हैं। देखिए मैं इस ख़तरनाक सिचुएशन में भी इतना ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा इंस्पायर्ड रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी पॉजिटिविटी से भरे रहे और मैं आप सभी को पॉजिटिव जगह में लेके जाना चाहता हूँ, आपके लाइफ का एक पॉजिटिव वे में मैं लेके जाना चाहता हूँ। कुछ भी सिचुएशन हो ऑलवेज बी पॉजिटिव और यही मैं हमेशा हर एक वीडियो के लास्ट में बोलता रहता हूँ, बी योरसेल्फ, बी ट्रू, कीप स्माइलिंग और बी ओरिजिनल। आपका ओरिजिनल साइड आपको दिख जाने का चांसेस है इस कुछ दिन में, 21 दिन बोला गया है, उस 21 दिन को आप ऐसे यूज़ कीजिए अपने घर पे बैठ के कि आपको आपका ऐसा एक साइड मिल जाए जिस साइड के बारे में आप खुद को भी आपको नहीं पता। बड़े बड़े हस्तियों को, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को, बॉलीवुड स्टार्स को मैं देख पा रहा हूँ, वो लोग पेंटिंग्स करके अपलोड कर रहे हैं, इतना अच्छे पेंटिंग्स कर रहे हैं हमें पता ही नहीं था। फिर गाना गा के अपलोड कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं था ये लोग गाना गा रहे हैं। हर एक सेलिब्रिटी बोलते मतलब कुछ ना कुछ घर पे बैठ के वो लोग कर रहा है और एक्स्ट्रा एक टैलेंट निकाल के हम लोगों के सामने पेश कर रहा है, तो वो लोग कर सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते। आपके अंदर छुपा हुआ है एक ऐसा टैलेंट, एक ऐसा क्रिएटिव साइड जो आपने कभी पहले देखा भी नहीं होगा। ये चैलेंज है, आपने गौर करके कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके अंदर ये टैलेंट्स छुपा हुआ था। तो मैं इस वीडियो में आज इतना ही बोलना चाहता हूँ कि इस 21 दिन का लॉकडाउन पीरियड पे क्वारंटाइन रखिए खुद को, अपने घर पे सेफ रहिए, खुद सेफ रहेंगे तो दूसरे लोग भी सेफ रहेगा और दूसरे लोग सेफ रहेंगे, हम सब सेफ रहेंगे तो देश सेफ रहेगा और देश सेफ रहे तो हमारा वर्ल्ड भी सेफ रहेगा। और सबसे आखिर में सबसे बड़ा थैंक्स मैं उन सभी को देना चाहता हूँ जो बचा रहा है, जो अभी सेकेंडरी ऑक्सीजन हो चुका है ह्यूमन लाइफ के लिए, जो लोग तड़प रहे हैं इस खतरनाक महामारी से, उन लोगों को बचा रहे हैं, एविएशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, पुलिसमैन्स या फिर फायर सर्विस, डॉक्टर्स, नर्सेज, ईच एंड एवरीथिंग, बैंक वर्कर्स, बैंक में जितने लोग भी काम कर रहे हैं, सभी लोगों में थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आर्मी, सभी को थैंक यू बोलने के लिए लोगों की कमी नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो के नीचे थैंक्स फॉर अच्छा सोचने दीजिए, हैशटैग लगा के मैं चाहता हूँ आप लोग नीचे कमेंट कर दें, थैंक्स फॉर द लाइफ, थैंक्स फॉर द लाइफ, ओके यस थैंक्स फॉर द लाइफ आप लोग नीचे कमेंट में लिखिए। और मैं चाहता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे मैं पोस्ट एक कैंपेन चलाऊँगा सोच रहा हूँ, तो थैंक्स फॉर द लाइफ लिख के, और आप सब भी अपने अपने इंस्टाग्राम में अपलोड कीजिए, कुछ पोस्ट कीजिए और उसमें इस कैंपेन का जिक्र कीजिए, हैशटैग थैंक्स फॉर द लाइफ उन लोगों के लिए जो लोग ने हमें अभी इतना मेहनत करके हेल्प कर रहे हैं, और थैंक्स फॉर द लाइफ करके और मुझे भी टैग कर दीजिएगा, मी3 यूट्यूब चैनल या फिर मी3 शो विद दिनेश ही आ जाएगा, मी3 दिनेश ही आ जाने का, उसमें मेरा ही फेस लगा हुआ है इंस्टाग्राम हैंडल, उसमें आप मुझे टैग कर दीजिए। टैग नहीं करने से कम आप लोग हैशटैग देके ये कैंपेन चलाइए, थैंक्स फॉर द लाइफ, हैशटैग थैंक्स फॉर द लाइफ। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, अगले बार मिलेंगे दूसरे वीडियोज़ में, और पॉजिटिव रहिए, हंसते रहिए, अपने साइड का अलग क्रिएटिव साइड निकालिए अपने लाइफ का और पॉजिटिव रहिए यार, बाहर निकलिए मत, अपने घर पे रह के जो चीज़ आप कर पाएंगे वो बाहर रह के आप नहीं कर पाओगे। सो बाहर मत जाइए, अंदर जाइए, अंदर रह के अपने अंदर जाइए। थैंक्स अ लॉट।